तो अभी मैं घर पे हूँ। शाम का 6 बज रहा है और मेरा घर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, क्योंकि कैफ़े से भी जो मैं सामान लेके आया हूँ वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। कपड़े बहुत सारे हो चुके हैं, घर का सामान इधर उधर अस्त व्यस्त, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो वो सारी चीज़ों को आराम से सिस्टमेटिक करना है, कपड़े भी धोना है। और कपड़े फैलाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लैट में, क्योंकि जो बालकनी है वो बहुत छोटी है, और घर के अंदर कपड़े फैला दो तो फिर चलने फिरने में दिक्कत होती है। बट कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कपड़े बहुत टाइम से नहीं धोए थे मैंने, तो वो भर चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, पूरी मशीन भर चुकी है, तो वो धोना ही पड़ेगा आज। अब उसको ऐसे जैसे जैसे मैं एडजस्ट करता हूँ, और कैफ़े का भी जो सामान थैले में पड़ा हुआ है उसको भी किचन में जमाना है, इधर उधर जमाना है, तो वो सारी चीज़ें करनी है। शाम का 6 बज रहा है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें करना, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो रात ही हो जाएगी, 9-10 ही बज जाएगा और कुछ नहीं होगा। कैफ़े में जो भी काम था सुबह बाइंड अप कर लिया मैंने, जो जो सामान मैं ला सकता था वो ले आया हूँ। अभी भी कुछ सामान है वहाँ जो सेलिंग के लिए मैंने इंटरनेट पर डाला है, अब देखते हैं कब तक वो सारी चीज़ें सेल आउट होती हैं। इस महीने खाली करना था वैसे भी मुझे जगह, 4 या 5 ही दिन बचे हैं, देखते हैं 4-5 दिन में हो ही जाएगा, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। सामान फिर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, अभी घर के काम करने हैं सारे। जब सम टाइम आलस में आप हर हफ्ते कपड़े नहीं धोते हो या टाइम पे कपड़े नहीं धोते हो, तो इसी तरह ये कपड़े का ऐसा ढेर लग जाता है जब। और फिर उसके बाद होता ये है कि आप कैसे भी कहीं से भी टाइम निकाल के उसको किसी दिन धो नहीं पाता है, यही होता है। मेरे फ्लैट में अलग से एक वॉश एरिया नहीं है जहाँ पे वॉशिंग मशीन परमानेंटली रखी रहे, और जब भी उस कपड़े धोना हो तो नॉर्मल आपने पानी भरा और कपड़े धो लिए और वापस आ गए। यही एक वजह है आलस की, जब कपड़े भी टाइम पे नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि मशीन को मुझे बाथरूम के अंदर रखना पड़ता है, वहाँ पे उस कपड़े धोना पड़ता है, धोने के बाद फिर वापस निकाल के रखना पड़ता है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि बाद में धो लेंगे, बाद में धो लेंगे, और जब बाद की बात आती है तो इतना सारा ढेर लग जाता है। और दूसरी मेहनत ये एक्सटेंशन की, क्योंकि वॉशरूम में सॉकेट नहीं है जहाँ पे मशीन को लगा पाऊँ, तो ये बेडरूम में जो सॉकेट है वो एक्सटेंशन के थ्रू वहाँ जाके मशीन में लगता है। बेडरूम का सॉकेट है, यहाँ पे ऐसे लगाओ, ये एक्सटेंशन का यहाँ रखो, मशीन का यहाँ लगता है, तो फिर चालू। तो कपड़े धोने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब थोड़ी सी वॉक हो जाए। अरे अपने गली से निकलते तो सामने केव बेकरी है ना, चिली पनीर बन। चिली पनीर